हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि मैं टाइम टू टाइम आपको आईटीआई के जॉब और अप्रेंटिसशिप के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं, तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकली हुई है, तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की ओर से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है, ये भारत सरकार का उपक्रम है। तो दोस्तों, ये जो आईटीआई की वैकेंसी है, इसकी ओपनिंग डेट की, क्रूशियल डेट के बारे में बात कर ले। सबसे पहले ओपनिंग डेट की बात करें तो 16/7/2022 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसकी एंडिंग डेट है 5/8/2022 है, यानी कि 5 अगस्त 2022 को ये फॉर्म फिल क्लोज हो जाएगा। तो जल्दी से आप फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट काफी नियर आ चुकी है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो सबसे पहले आप बात कर ले फिटर ट्रेड की। तो फिटर ट्रेड में आपको आईटीआई मांगी गई है फिटर ट्रेड से। इनका प्लेसमेंट कोलकाता एंड रांची होने वाला है। बी नंबर की वेल्डर जी एन ई, जिसमें वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से आईटीआई होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रीशियन पोस्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी मशीनिस्ट की, जिसमें मशीनिस्ट से आईटीआई होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी पाइप फिटर, जिसकी आईटीआई आपको प्लम्बर से होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी कारपेंटर, जिसमें आपको आईटीआई कारपेंटर से मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी आती है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, तो इसमें आईटीआई आपको ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी पैसा, जिसे प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट बोलते हैं, आपको आईटीआई होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड से, कोपा यानी कि। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें आईटीआई आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पेंटर, जिसमें आईटीआई आपको पेंटर से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपकी आती है मैकेनिक डीजल, जिसमें आईटीआई आपको मैकेनिक डीजल से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी आईटीआई स्ट्रक्चरल, जिसमें आपको आईटीआई होनी चाहिए फिटर ट्रेड से। दोस्तों, यहाँ पे फिटर ट्रेड की दो वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ एक टॉप पे है ए सीरियल नंबर पे फिटर, और नेक्स्ट है आपकी फिटर स्ट्रक्चरल, इसमें भी फिटर से आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी आती है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इंग्लिश, यहाँ पे आपको आईटीआई होना चाहिए सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश से, या फिर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इंग्लिश से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट तक आपकी पोस्टें कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट है आपकी मैकेनिक मशीन टूल्स MMTM, जिसमें आईटीआई होना चाहिए मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस से। नेक्स्ट है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ICTSM, इसमें आईटीआई होना चाहिए आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ICTSM। इनकी पोस्टिंग टोटल ऑल टोटल की कोलकाता रहने वाली है। लास्ट है आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इसमें आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं ट्रेनिंग का पीरियड कितना रहने वाला है, यानी कि आपका कितने साल तक ये अप्रेंटिसशिप है। एक साल की अप्रेंटिसशिप है, जैसे आप सब लोग जानते हैं 12 मंथ की। क्वालिफिकेशन की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास होना चाहिए। आपके पास NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अपेयरिंग कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट चीज आपसे बोली गई है कि वो NCVT ही होना चाहिए, यानी कि SCVT कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओनली NCVT के लिए ये अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। नेक्स्ट, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से एज क्राइटेरिया है आपका, 14 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स है, और ये एज आपकी काउंट होगी 1/9/2022 से। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, www.apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो आजकल जो फॉर्म आ रहे हैं, तो वो मेनली पहले रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस साइट पे। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे apprenticeship.in
.gov.in पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस साइट से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रेशर के लिए टोटल कितनी वैकेंसी, अप्रोक्सीमेट 40 वैकेंसीज रखी गई हैं। कौन कौन से ट्रेड्स हैं यहाँ पे हैं, फिटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर और मशीनिस्ट से। दोस्तों ये जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रेशर के लिए बोला गया है, यहाँ पे 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने खाली 10th कर रखा है, ITI नहीं किया, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन्होंने अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत 1 साल का, 2 साल का होता है दोस्तों। जिन्होंने ITI नहीं किया उनको 2 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। यहाँ पे जनसियर क्वालिफिकेशन इन्होंने 10th स्टैंडर्ड बताया है। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग के बारे में, इन्होंने बताया कि किस तरीके ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे मैं एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम 14 ईयर्स और मैक्सिमम 20 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि apprenticeshipindia.gov पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप फॉर्म को फिल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ITI की नोटिफिकेशन थी। बाकी डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पे इसे हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पे 5 साल की छूट मिलने वाली है SC को, कैंडिडेट को, शेड्यूल कास्ट को, और 3 साल की OBC कैंडिडेट को। PWD कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। आगे इन्होंने एप्लीकेशन का प्रोसीजर बताया किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद www.grse.in पे जॉब, यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा जॉब अप्लाइड और GRC एक लिंक। तो यहाँ पे आप कैरियर पे सेक्शन पे जाके क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतनी नोटिफिकेशन आपको बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। प्लीज शेयर कर दिया करो वीडियो। यहाँ पे आपको एक चीज और बतानी है, यहाँ पे पेमेंट के बारे में उन्होंने बताया है। तो 6,000 रुपये फ्रेशर कैंडिडेट को दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में 6,600। बाकी जो ITI कर रखा है जिन्होंने, उनको 7,000 रुपये या फिर 7,700 रुपये, इन्होंने जो भी डिसाइड कर रखा है ट्रेड वाइज वही आपको देंगे। ओके दोस्तों, तो ये फुल आपको नोटिफिकेशन थी। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, जय हिंद।